फैशन डिजाइनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्लीव को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि जो हमारी स्लीव है वो बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरह की मेरे पास ये लेस है, जिसे समोसा लेस कहते हैं, और ये गोटा है। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम अपनी स्लीव को डिज़ाइन करेंगे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई भी लेस ले सकते हो, और अपना अगर आपको कोई अच्छा सा डिज़ाइन आपको खुद को याद है तो आप उससे भी कर सकते हो। एक्चुअली में क्या है कि ये बिल्कुल सिंपल है, तो थोड़ा सा इसको अच्छा सा लुक देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम इस समोसा लेस के ऊपर अपनी बाजू रखेंगे। मैंने बाजू के कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये अभी पतली है या हल्की है, तो आप इसके अंदर एक पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाई है। आप इसे ऐसे करेंगे और एक किनारे की सिलाई देंगे। धीरे धीरे आप ये सिलाई लगाइए, अगर आपको आपका जो हाथ है वो अच्छे से फिट नहीं है। इस तरीके से मैं इस लेस को किनारे पे बिल्कुल कंप्लीट कर लूँगी। ये लग के तैयार हो चुकी है। अब हम ऊपर वाला धागा चेंज करेंगे, क्योंकि हमें गोटा लगाना, तो गोटे से मैच करता हुआ धागा हम लगाएंगे। इसलिए पहले हम ऊपर वाला धागा चेंज कर लेते हैं। धागा चेंज हो गया है और अब हम गोटे का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी मर्जी से गैप दे सकते हैं। मैं इसमें एक पैर का गैप दूंगी और गोटा लगाना स्टार्ट कर दूंगी। इस तरीके से मैं गोटा लगाऊंगी यहाँ पे। इस तरीके से मैं इसमें दो तीन लाइनें ड्रॉ कर लूँगी। एक लाइन हम लगा चुके हैं, अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी लाइन लगाएंगे और इस तरीके से हम इसे भी लगाकर तैयार करेंगे। दो लाइनें लगा के तैयार कर ली है। आप चाहे तो दो लाइनें भी रख सकते हो, और आप चाहे तो एक और लाइन बना सकते हो। मर्जी आपकी कि आप इस पर कितना लाइन देना चाहते हो। जैसे हमने बाकी दो लाइनें इस पर लगाई है गोटे की, वैसे ही आप एक और इस पर ड्रॉ कर सकते हो। आप इससे चौड़ा भी कर सकते हो अगर आपको और ज़्यादा लगाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इस पर चौड़ाई देना चाहते हो। और ऐसे ही आप अपना जो दूसरा बाजू है उसको भी तैयार कर लेंगे सेम तरीके से, और ये बहुत सुंदर बाजू लगेगा। तैयार होने पर ये कुछ इस प्रकार का लग रहा है। ये देखिए, ये कितना सुंदर लगेगा आपकी स्लीव को। ऐसे ही मैंने दूसरा बाजू भी तैयार कर लिया है सेम तरीके से। ये देखिए, आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रिंट, मतलब कि आपका जो प्रिंट था इसमें ये नॉर्मल फैब्रिक था, और हमने इसे थोड़ा सा लुक दे दिया है और ये थोड़ा रिच लगने लगा है। इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। कोई भी डिज़ाइन बनाने से कपड़े की वैल्यू बढ़ जाती है अगर वो अच्छे से बन जाए। आप भी एक बार इसे बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो गोटा है और जो ये लेस है समोसा वाली, ये आराम से मार्केट में मिल जाता है। ये लेस अगर आप एक या दो मीटर लेना चाहते हैं तो ये 5 से 10 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगी, और गोटा भी आपको 2 से 5 रुपये मीटर की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इकट्ठा लेते हैं तो ये आपको और भी सस्ता पड़ता है, और आप आसानी से काफ़ी फैब्रिक पर इसे यूज़ कर सकते हैं। आप नेक में कर सकते हैं, आप नीचे बॉर्डर में कर सकते हैं, आप प्लाजो में कर सकते हैं, आप पोंचों में कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगता है। ओके बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।